शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। किसी ने रात से मारा, किसी ने PCG पाइप से मारा हम लोगों को। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं मारा है। मेरी लड़की अभी 12वीं पढ़ के हॉस्टल से घर में आई है, मेरी लड़की की इज्जत पे भी हम लोग वो लोग भी पत्थर फेंक के मार रहे थे, रोड से मार रहे थे। हाँ, मेरा पूरा घर तोड़ी दिए, सब कुछ पूरा पत्थरे मारा सुल्तान। मेरे को तो मालूम भी नहीं कि मैंने मारा उनको। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको खींच के निकाल के मारो। किसी ने हाथ नहीं उठाया, उन लोग बोल रहे झूठ, ताकि इंसान कोई अपने आप को मार नहीं सकता। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के कैलाश गिरी बाईपास से लगकर वहां पर दो गुटों के बीच में ईद की रात में करीब 8 से 9 बजे के बीच में मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों तरफ के लोगों को काफी चोट लगी है, कई टाके भी सर में लगे हैं। एक तरफ आशिक अली खान और उनका परिवार हिना इरफान शेख और शाहिस्ता खान हैं, तो दूसरी तरफ समीर शेख सुल्तान और उसके कई दोस्तों का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। आशिक खान और परिवार के लोगों ने बताया है कि समीर शेख और सुल्तान और उसके कई लोगों ने उनके घर पर हमला किया, छपरे पर पत्थर मारा और महिलाओं के भी साथ मारपीट की गई है। बुजुर्ग आशिक अली खान के सर में रॉड से सुल्तान ने हमला किया है, गहरा जख्म हुआ है, 5 से 6 टाके लगे हैं। वहीं समीर और सुल्तान का कहना है कि हमारे एक भाई से आशिक अली के परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, वो बीच बचाव करने के लिए गए थे, तभी आशिक अली ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो जगह पर ही गिरा और बेहोश हो गया। हालांकि घायल अवस्था में आशिक अली खान और समीर शेख दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां समीर के सर में भी 6 से 7 टांके लगे हैं। पहले सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आशिक अली खान और उनके परिवार के लोगों ने क्या बताया है, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है समीर और सुल्तान, इन लोगों ने भी क्या बताया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? शाइस्ता भी आशिक अली खान। कैसे ये लफड़ा कैसे हुआ? ये मैं कल नीचे आई थी दवा लेने के लिए, तो मेरा लड़का घर में ही था, मेरी लड़की भी घर में ही थी। हाँ, ये पत्थर फेंके और मेरे लड़के को गाली दे रहे थे गंदी गंदी। कौन फेंक रहा था? ये सम्मू शेख, गुल्लू शेख, सुल्तान, हाँ, और ये शादी, ये चारों लड़के पहले, और उसके बाद में मेरा लड़का घर में चला गया, कड़ी बंद कर लिया मेरे लड़के ने। मेरे लड़के का मोहम्मद रिजवान नाम है, मेरे लड़के का मोहम्मद रिजवान नाम है। और ये लोग सब के सब पूरा फैमिली आके जो मारना चालू किए, किसी ने रॉड से मारा, किसी ने PCG पाइप से मारा हम लोगों को। हम कलवर गए, वहाँ से पूरी रिपोर्ट लेके यहाँ पे आए हैं। किसको किसको मार लगी आपको? मुझे भी लगी है, मेरे आदमी को लगी, मेरी बेटी को लगी, दोनों को भी। आओ इधर, मेरी लड़की को, जो मेरी लड़की अभी 12वीं पढ़ के हॉस्टल से घर में आई है, मेरी लड़की की इज्जत पे भी हम लोग काट। ये लड़की ने, ये लड़की आपकी? ये मेरी लड़की है, बड़ी वाली, ये बड़ी वाली है। आ, इनको भी लगा है? आप देखो ना, पूरा इधर पीछे पूरा मार लगा है, मुझे भी लगा है। जोर से बोलो, कैसे हुआ? झगड़ा कुछ भी नहीं था सर, सिर्फ हम लोग घर में थे, मेरा भाई भी घर में था। ये डायरेक्ट ये लड़के लोग आए, बोले तेरे भाई ने मेरे को मारा, लेकिन मेरा भाई हमारे सामने, आप चाहे तो पूरे एरिया वालों से भी पूछ सकते हो। कितने लोग मारे? गुल्लू था, सुल्तान था, सम्मो था और साजिद था, जिसको चिकना चिकना बोलते हैं। ये सब जन घर तक आए थे मारने के लिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के मार रहे थे। मैं सिर्फ पूछने के लिए गई कि क्या हुआ, उसने मुझे ऐसा झापड़ मारा कि मुझे मेरे नाक से और मुँह से खून गया। इतना हम लोग ने डर की वजह से कड़ी लगा लिए, तो दरवाजा तोड़ के हम लोग को घर में से निकाल के मारा लेडीज लोग को। कौन लोग मारे? यही चार जन, ये चार। और ये सुल्तान ने बोला कि लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको खींच के निकाल के मारो, जो होएगा देख लेंगे, ऐसा जवाब दिया।
तो अभी आप लोग भी कंप्लेन करा रहे क्या? हाँ हम लोग कंप्लेन करा रहे हैं। किसके नाम? हाँ जितने जन हमको मारे हैं। नाम बताइए ना, क्या क्या नाम है? सुल्तान, समीर शेख, गुल्लू शेख, साजिश शाह। हाँ और लेडीज लेडीज हम लोग ये जीने नहीं दे रहे, बोलते हैं पुलिस वालों के पास जाओगे क्या करेगी पुलिस, नगर सेवक के पास जाओगे नगर सेवक क्या करेगा, कितनी बार बुलाओगे, ये डायरेक्ट ये सब सवाल करके मारते हैं। और जो भी हमको छुड़ाने के लिए आया झगड़े में, ये लोग उनको भी डंडे से मार मार के भगा रहे थे, बोले हमारे बीच में कोई आना नहीं, अगर किसी ने भी बोला सबकी मार डायरेक्ट गाली से बात करते हैं ये लोग। जितने भी लोग छुड़ाने आप चाहे तो आके वहाँ पे किससे भी आप इंक्वायरी कर लीजिए, गलती किसकी है, मेरा पूरा घर तोड़ दिया सर इन्होंने, घर भी तोड़, हाँ मेरा पूरा घर तोड़ दिए, सब कुछ पूरा पत्रे छपरे का घर है कैसा है? नहीं ऊपर तो सीमेंट के पत्रे डाली हूँ ना, तो पत्थर मार के वो तोड़े हैं, अभी जो ये पत्रे हैं साइड के पूरे पत्रे गिरा दिए सर इन्होंने हमारे मार मार के। जगह आपको कैसे लगा ये मार, कितने मारा? वही मारा सुल्तान, सुल्तान ने मारा। वो बोल रहे कि हम लोग गए थे छुड़ाने के लिए झगड़ा, नहीं 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 ऐसा कैसा मार देगा साहब, ऐसा कैसा मार देगा, कोई है नहीं लगे, पाँच साके लगे। पुलिस पे कंप्लेन वगैरह कंप्लेन वगैरह सब हो गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहीं सुल्तान ने बताया है कि उसने बुजुर्ग आसिक अली को नहीं मारा है, उन्होंने खुद मारकर ले लिया है, मगर आशिक अली बुजुर्ग है, उनका कहना है कि सुल्तान ने ही उन्हें मारा है। साथ ही समीर का भी आरोप है कि आशिक अली ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर मारा, तो वहीं आशिक अली का कहना है कि मैंने समीर को नहीं मारा है, उसने खुद ही अपने आप को मारकर लिया है, मगर आरोप आशिक अली पर मारने का लग रहा है। समीर और सुल्तान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया है आपको सुना दें। क्या नाम है? मेरा नाम समीर है। कहाँ रहते हैं? मैं जीवन बाग के ऊपर के हिस्से में रहता हूँ, बाईपास के हिस्से में। ये चोट कैसे लगी आपको, क्या ये चोट? हम लोग बाईपास पे बैठे थे, अभी 3 महीने के लिए बाईपास बंद हो चुका है, तो ये वजह से हम लोग कॉकमेंटर खेलते हुए रिक्शा में हम लोग बैठ गए, तो उत्ते में इनका लड़का चढ़ता है काम पे से ऊपर, बोले अभी ईद हो गई, ये सॉरी रमज़ान हो गया और ईद हो गई, बोले इन लोगों को मैं बताता हूँ, तो मैं बोला एक काम कर साइस्ता आंटी ने क्या बोले थे अपने को, क्या बेटा कोई भी कुछ बोलेगा तो आके बोलना, तो ये बोलने गया तो इन लोग डायरेक्ट मारने लग गए। क्यों मारे? और मैं छुड़ाने गया उधर पे, बोला जाने दो ईद का टाइम है, तो डायरेक्ट वो चाचू ने मेरा रॉड मार दिया। कितने कितने झगड़ा हो रहा था? झगड़ा वो मेरा मामू का लड़का है, क्या नाम है उसका? नाम जावेद है। झगड़ा उन लोग की मतलब मुँह मारी हो रही थी उन लोग की, तो मैं भागते भागते गया ऊपर, बोला जाने दो सब वापस आ ले, ईद का टाइम है, तो उनके हाथ में था रॉड, उनने दे दिए मेरे को टकले। मालूम है उन लोगों में क्यों झगड़ा हो रहा था ऐसा? ये वजह से मतलब इससे पहले भी झगड़ा हो चुका है बच्चे लोग के ऊपर से, इससे पहले भी झगड़ा उठाने गए। हाँ हाँ मैं छुड़ाने गया था सर, मैं छुड़ाने गया उसको, मैंने मेरे भाई को पकड़ा और चाचू के हाथ में था रॉड, चाचू ने मेरे को दे दिए एक रॉड सर पे और मैं गिर गया, उसके बाद मेरे को आगे का कुछ मालूम नहीं। मेरे को इन लोग सात टाके लगे और इधर पे फसरी पे मेरे को मारे रॉड से। जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनका तो ऐसा कहना है कि झगड़ा हुआ था, आप लोग भी मारपीट करने के लिए आए थे? नहीं नहीं, मैं था, मेरी फैमिली सब मेरे घर के पास खड़ी थी, बोले अम्मी तुम लोग कोई मत आओ, मैं इसको जाके लेके आता हूँ बराबर, मैं लेके आने गया तो देखो मेरे साथ क्या हादसा किया। आपके मामू का लड़का है उससे झगड़ा हुआ था ना? हाँ, तो आप भी गए थे मारपीट करने? ऐसा नहीं नहीं नहीं, मारपीट नहीं करने गया था, मैंने अम्मी लोग जा रहे थे, बोले अम्मी तुम जाएंगे तो बात बढ़ेंगी। और लेकिन वो जो चाचा बता रहे हैं आप, वो तो काफ़ी बुजुर्ग है, वो कैसे मार दिया आपको? काफ़ी बुजुर्ग है अभी वो, लाडो का गई मैं वहाँ खड़ा, मैं मेरे भाई को लेके बोला चल ईद त्यौहार का टाइम है, झगड़ा मत कर भाई, है ना, क्या है अपन बाद में बात कर लेंगे, तो चाचू के हाथ में था रॉड, चाचू ने मेरे को दे दिया एक रॉड, तो मैं गिर गया नीचे। कितना टाका लगा? सात। और जो ये बात जो बोले जा रही ना इधर पे, क्या चाचू को मैंने मारे लाओ, ये झूठ बात है, उनको भी टाके लगे हैं, वो अपने आप से मार के लिए उनने, वो लोग बोले आप अपने आप से मार के लिए, मैं 60 टाके क्यों मारूंगा अपने आप को, और आज से लेके बचपन से लेके 6 टाके तो उनको भी आए,
वो चाचू पे किसने हाथ नहीं उठाया? किसी ने हाथ नहीं उठाया, उन लोग बोल रहे झूठ। और मेरे को जो मारे ले सब पब्लिक ने देख ली, मेरे को कौन मारा? कंप्लेंट वगैरह कुछ हुआ? अंदर सब बोले ला हूँ, लेकिन पेपर कुछ मिला नहीं हाथ में, मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? सुल्तान। ये आशिक अली नाम जी के जो शख्स है, इसके साथ आप लोगों का कैसे विवाद हुआ था? क्या आज नहीं हुआ था सर, वो दूसरा झगड़ा चल रहा था मेरे भाई का। किसका? ये मेरा भाई है। हाँ। ये झगड़ा चल रहा था, ये छुड़ाने गया था। हाँ। तो इसको रोड मार दिए, ये बेहोश हो गया। किसने मारा? आशिक अली ने। आशिक अली रोड से मारे, और उसके घर वाले लोग ने भी रोड से इसको मारने लगे, ये गिर गया नाले में। भाई गिर गया, मेरे को होश नहीं था। एक उनका कहना है कि इन्होंने खुद मार लिया आपने से। नहीं, 60 टा के इंसान कोई अपने आप को मार नहीं सकता है। और आशिक अली का कहना है कि उनके भी 5-6 टाके लगे हैं, उनको रोड से आपने मारा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल जरा सा झूठ है, इनके ऊपर आरोप है। आपका नाम सुल्तान है? हाँ, मेरा नाम सुल्तान है। नहीं मारा है उनको रोड? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं मारा है। ये जब बेहोश हो गया था तो मैं इसको लेके दवाखाना उतर गया, वो झगड़ा सब लेडीज का आपस में एक दूसरे से हुआ है, और उनको मारा कौन मारा पता नहीं मुझे, मेरे को तो मालूम भी नहीं कि मैंने मारा उनको। और लेडीजों को गाली वाली भी दे रहे थे आप? कुछ नहीं, मैंने गाली कुछ गाली वगैरह मैंने दिया नहीं। मेरा भाई को जब लगा, मैं तो था भी नहीं हुआ, मैं घर के पास खड़ा था, जब उसको मैंने देखा मेरे भाई को रोड से मार दिया, वो गिर गए, मैं जाके मेरे भाई को उठा के दवाखाना लेके भाग गया। सगे भाई? हाँ, मेरा भाई छोटा भाई है समीर। अच्छा, एक मेरी विनती है सर आपसे। बोलिए बोलिए। बोल सकता हूँ? इनको बनने का पाड़का नहीं था। आशिक अली को साहिस्ता को इनको बनने का पाड़का नहीं था। ये क्या मालूम किसके ऊपर मतलब है, किसके बदौलत है, अपने को नहीं मालूम। हम तो गाय गरीब है, हम लोग किसी के एक में नहीं पड़ते, किसी के दो में नहीं पड़ती है, झगड़ा लफड़ा करता है, पर उसकी अच्छा, गलती नहीं। कितने लोग थे मारपीट में? उन लोगों कई लोगों का नाम बता रहे, कोई गुल्लू करके नाम? गुल्लू खां मेरे खाला मुमानी का लड़का था, गुल्लू। वो जब उसका झगड़ा चल रहा था, वो पूछने गया था कि ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है। और भी 3-4 लोगों का नाम? नहीं, कोई नहीं था, सब छुड़ाने में ही गए थे। खाली ये भी छुड़ाने में गए थे, इसको मार दिए, तो बाकी सब छुड़ाने में गए थे। लेडीज लोग का झगड़ा चल रहा था आपस में, एक दूसरे को मार रहे थे, वो लोग भी पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे, रोड से मार रहे थे। हमारी लेडीज के पास तो कुछ था भी नहीं। कितने बजे हुआ? 8:30 बजे। 8:30 बजे के टाइम हुआ कल रात में। वही दोनों तरफ से हो रहे इस विवाद और मारपीट के मामले को लेकर जो है लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, और आपसी समझौते की भी बात चल रही थी। मगर हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों तरफ से इस पूरे मारपीट की घटना को लेकर कल रात में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दोनों तरफ के लोगों ने आपसी समझौता कर लिया है।